तो दोस्तों, अगर आप पे लेटर की तलाश में हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में चार ऐसे टॉप पे लेटर बताऊंगा जिसमें आपको इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट मिल जाती है और अच्छी खासी लिमिट के साथ में मिलती है और अच्छे खासे टर्नओवर के साथ में मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉप चार पे लेटर बताने वाला हूँ, इसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मुझे आज तक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पे लेटर की बात करें तो सबसे पहला जो पे लेटर है वो है जुपिटर एज पे लेटर। ठीक है, मैंने जुपिटर एज पे लेटर में अकाउंट ओपन किया हुआ है, मुझे कितनी लिमिट मिली है वो मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मुझे लिमिट मिली है 1500 रुपये की। ठीक है, यहाँ पर मैंने 450 रुपये यूज कर लिए, यहाँ पर मुझे लिमिट मिली है 1500 रुपये की जिसपे मैंने 450 रुपये यूज कर लिए, 1000 रुपये मेरे पास में अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं जब चाहूँ एनी टाइम एनी वेयर यूज कर सकता हूँ। तो ये है जुपिटर एज पे लेटर और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पे लेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे बाय नाउ पे लेटर की। तो मेरे भाई दूसरा जो बाय नाउ पे लेटर है वो है फेरोपे पे लेटर। दोस्तों फेरोपे पे लेटर में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 600 रुपये से लगा करके 1000 रुपये तक की लिमिट पहली बार मिलेगी और ये लिमिट धीरे धीरे करके 6000 रुपये तक पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं फेरोपे ऐप को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी लिमिट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 500 रुपये की मुझे लिमिट मिली है जिसको मैं जब चाहूँ जितने बजे एनी टाइम एनी वेयर स्कैन एंड पे करके इस लिमिट को बैंक में ले सकता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे बाय नाउ पे लेटर की ओर। ठीक है, तो भैया तीसरा जो बाय नाउ पे लेटर है वो है मनी टैप बाय नाउ पे लेटर। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये जो पे लेटर है ये एक्चुअली मनी टैप को पे लेटर नहीं है, ये आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देता है, लोन प्रोवाइड कर देता है, तो हमको पे लेटर ही इसको मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर मनी टैप की तरफ से मुझे 10000 की क्रेडिट लाइन मिली है, इसको मैं जब चाहूँ एनी टाइम एनी वेयर बैंक में ले सकता हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये जो लिमिट है हम बैंक में लेंगे इसमें टर्नओवर हमको 2 महीने से लगा करके 3 या 4 महीने तक का भी मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट बाय नाउ पे लेटर की जो विदाउट KYC की हमको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सिंपल पे लेटर। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके जस्ट इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा और OTP आने के बाद इंस्टेंट आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देगा, यहां पर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मेरे भाई ये जो बाय नाउ पे लेटर है, चार बाय नाउ पे लेटर, ये टॉप बाय नाउ पे लेटर है और मेरे भाई काफी ज्यादा यूज होने वाले बाय नाउ पे लेटर है। ठीक है, सो फ्रेंड वीडियो पर इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।